नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। संसदीय चुनाव का कल परिणाम आ रहा है, जिसके साथ स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार जनता ने जनाधार किसको दिया है। यहां भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक हुई, जीत की परंपरा जारी है या कुछ बदलाव हुआ है। हालांकि एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है, पर क्योंकि कल परिणाम आ रहे हैं, इससे एक दिन पहले अलग अलग पार्टी कार्यालयों की स्थिति क्या रही, क्या माहौल रहा, लोग क्या कह रहे हैं, इसकी जानकारी करने के लिए सी न्यूज भारत की टीम ने अलग अलग पार्टी कार्यालयों पर जाकर सूरत हाल जाना। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। यही रात अंतिम, यही रात भारी, और कल है परिणामों की बारी। कल परिणाम आने वाले हैं और यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि राजधानी लखनऊ में जो पार्टियों के प्रेस कार्यालय हैं उनके हाल क्या है। और फिलहाल अभी हम खड़े हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, जहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा फैला हुआ है। हालांकि गर्मी भी इसका कारण है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एग्जिट पोल भी आए हैं, हो सकता है उसकी कसक भी हो, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं वहाँ पर INDA गठबंधन को सरकार से कहीं दूर दिखाया जा रहा है और यहाँ पर BJP की बहुमत की सरकार दिखाई जा रही है, जो कल एग्जिट पोल यहाँ पर आए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सबके बीच में अपने अपने प्रश्न हैं। हालांकि जो विपक्षी पार्टी है, उन्होंने एग्जिट पोल को केवल बताया है, केवल भ्रामक है और कार्यकर्ताओं को इन एग्जिट पोल के सहारे नहीं चलना, बल्कि उनको मेहनत करनी है और पूरी तरह से यहाँ पर मतगणना की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कराना है। पर कहीं ना कहीं जो यहाँ पर स्थिति है वो बताती है कि एग्जिट पोल के आने से यहाँ पर कुछ ना कुछ निराशा जरूर हुई होगी। हालांकि जो निराशा है वो आशा है, वो कल 4 जून को स्पष्ट हो जाएगी किसकी सरकार बन रही है और कौन यहाँ पर जा रहा है, कौन यहाँ पर आ रहा है। पर एक बात स्पष्ट है कि यहाँ पर जो चुनाव था बड़ा दिलचस्प था और यहाँ पर सबने बराबर लड़ाई लड़ी है, सबने मेहनत की है, पर यहाँ पर फैसला जनता जनार्दन कीती है कि जनता जनार्दन ने यहाँ पर फैसला किसके पक्ष में दिया है। अगली बार अभी हम फिर देखेंगे और कार्यालयों की तरफ कि वहाँ की स्थिति क्या बनी हुई है। कल संसदीय चुनाव के परिणाम सामने आने वाले हैं। यहाँ पर हम फिलहाल खड़े हैं प्रदेश BJP कार्यालय उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, और यहाँ पर मैं आपको स्थिति दिखाऊंगा प्रदेश BJP कार्यालय में। यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको, पूरा सजा हुआ है और पूरे होल्डिंग्स यहाँ पर लगी हुई हैं। एक बार फिर मोदी सरकार के यहाँ पर बैनर भी लगे हुए हैं, साथ साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों का हजूम भी दिखा रहा है। लोग यहाँ पर खड़े हैं, आ जा रहे हैं, मंथन भी हो रहा है, साथ साथ यहाँ पर तमाम जो है पदाधिकारी की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। अगर आपको बता दें तो कल यहाँ पर जो अग्नि परीक्षा है वो यहाँ पर अग्नि परीक्षा मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा भी है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर अग्नि परीक्षा यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी है, क्योंकि 41 दिन में लगभग 200 सभा उन्होंने किया, यहाँ मेहनत की है और उनकी मेहनत यहाँ पर कितना रंग लाएगी वो भी कल यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हमने और प्रदेश कार्यालय भी देखे हैं और जगह भी हमने देखा है, लोगों की राय भी जानी है। तो लोगों ने यही कहा है, कोई एग्जिट पोल को लेकर भ्रामक बता रहा है तो कोई कह रहा है एग्जिट पोल बता रहा है कि हमने जो मेहनत की है वही यहाँ पर सामने रंग लाई है। और हम पहुंचे राजधानी स्थित बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, अमूनन भाई, अगर देखा जाता है तो यहाँ पर सन्नाटा ही रहता है, क्योंकि यदा कदा ही यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अगर संगठन की बात करें तो बैठक चलती रहती है, पर यहाँ पर मीडिया को इतना ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाता है। हालांकि समय समय पर प्रेस वार्ताओं के माध्यम से यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी बात कहती रहती है। और यहाँ पर भी हमने देखा है लोकसभा चुनाव में लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लड़ाई यहाँ पर लड़ी है। पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो सन्नाटा फिलहाल यहाँ पर है, कल यहाँ परिणाम की बारी है, यही रात अंतिम, यही रात भारी है। कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर कितना यहाँ पर परिणाम उनके पक्ष में आते हैं और कितना उत्साह यहाँ पर आने वाले समय में यानी कल कार्यकर्ताओं को नजर आता है। और इस समय खड़े हैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर, यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की स्थिति है। गाड़ियाँ जरूर खड़ी है यहाँ पर अभी उतना लोग यहाँ पर नहीं है। कहने के मंथन यहाँ पर जरूर चल रहा होगा कि कल की स्थिति क्या होने वाली है, कल यहाँ परिणाम आने वाले हैं और यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी सरकार यहाँ बनी है, क्योंकि यहाँ पर एग्जिट पोल की व्यवस्था अलग है। पर यहाँ पर विपक्षी गठबंधन के जो नेता हैं उनका कहना है कि एग्जिट पोल भ्रामक है और केवल यहाँ पर भ्रामक रूप खबरों को फैलाने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर सरकार INDA गठबंधन की बनने जा रही है और एग्जिट पोल पर नहीं जाना है और कार्यकर्ताओं को मेहनत करना है। फिलहाल यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बात करें तो वो कार्यकर्ताओं का अभी फिलहाल यहाँ लोग हमको कम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि गाड़ियाँ जरूर खड़ी हैं और लोग जरूर यहाँ पर मंथन जरूर चल रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये चर्चा भी चल रही होगी कि कल कैसे मतगणना के समय अपने आप को मुस्तैद रखना है, जिससे कि कोई गड़बड़ी ना हो सके, जिसको लेकर लगातार विपक्षी गठबंधन के लोग हैं वो बता रहे हैं कि गड़बड़ी ना होने पाए। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करें या विपक्षी गठबंधन के कार्यकर्ताओं की बात करें, उत्साह को नहीं थमने देना है और पूरी मेहनत के साथ यहाँ पर अपने आप को बनाए रखना है और मतगणना के जो है पूरी तरह से यहाँ पर व्यवस्थाओं को समझना है, यहाँ पर कोई गड़बड़ी ना हो पाए इसके लिए मुस्तैद रहना है, उत्साह को ठंडा नहीं हो जाना है। इसलिए यहाँ पर हमने देखा है कि एग्जिट पोल आने के बाद
बाद यहाँ पे विपक्षी गठबंधन के नेताओं के द्वारा लगातार यहाँ पर ये कहा गया है कि एग्जिट पोल से ना घबराएं, एग्जिट पोल यहाँ पर गलत है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। फिलहाल यहाँ सरकार किसकी बनेगी वो अलग बात है। फिलहाल हम आपको यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय यानी राजधानी लखनऊ का प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर की अंदर की स्थिति आपको दिखाई है। अगले अभी चरण में अभी चलते और कार्यालय की तरफ, वहाँ पर देखेंगे वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ पर स्थिति क्या बता रही है कि वहाँ पर निराशा है या आशा है। और कार्यालयों की स्थिति जानने की अपने चरण में हम यहाँ पहुँचे। फिलहाल हमें जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ की स्थिति भी आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल यहाँ भी सन्नाटा पसरा हुआ, हालांकि यहाँ पर कल परिणाम आना बाकी है और यहाँ पर परिणाम जब आएंगे तो यहाँ की स्थिति क्या होगी वो कल यहाँ पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल आज का दिन बाकी है। कल यहाँ पर पता चल जाएगा कि संसदीय चुनाव में इस बार बाजी किसने मारी, यहाँ पर परंपरा चली है या बदला हुआ। फिलहाल जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर की स्थिति कुछ अलग ही बयां कर रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड की मुख्य जो व्यवस्था है वो बिहार में ही है, वहाँ पर उनकी सरकार भी है, पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उतना यहाँ पर जो हजूम है वो देखने को नहीं मिलता। पहले भी हमने देखा है कि यहाँ पर कई बार चुनाव पहले भी हुए हैं, उतनी सक्रियता नज़र नहीं आती है। कल काउंटिंग होने वाली, उस समय हम खड़े हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर, हमारे कुछ मौजूद लोग मौजूद, उनसे जानेंगे कि क्या सोचते हैं कल के बारे में। और कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एग्जिट पोल आए उनसे यहाँ पर कुछ निराशा भी हुई है? जी नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कल बूथ अपने काउंटिंग स्थल पर जाके निष्पक्ष काउंटिंग कराएगा और हम इस आंकड़े को बिल्कुल सिरे से नकारते हैं। हम लोगों ने मेहनत की है, हम लोग अच्छी खासी बढ़त पे हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो मेहनत की जाती है वो यहाँ पर चुनाव के समय ही होती है? अगर ये मेहनत लगातार की जाए, लगातार संघर्ष किया जाए, जनता के बीच रहा जाए तो यहाँ पर इतने परिणामों के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जनता स्वयं समर्थन देगी? देखिए, जनता के बीच में हमारे नेता लगातार रहते हैं, ये है कि हम लोग उस तरह की मेहनत नहीं कर पाए जिस तरह की और लोग कर ले रहे हैं और पार्टी के लोग। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी 12 से 17 की, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा इतने काम किए गए जनहित के, उन सबका प्रचार हम लोगों ने इस बार बहुत ढंग से किया, गाँव जाके किया, चाहे 108 हो, चाहे 102 हो, चाहे 100 डायल हो, जिसको ये लोग 112 का नाम दे दिए हैं, और मेट्रो जहाँ की तहाँ है, एक इंच नहीं बढ़ी लखनऊ की। हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विकास के नाम पे जनता से वोट मांगा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोग अच्छी खासी बढ़त से इस भाजपा सरकार को हटाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम समर्थन कर रहे हैं जो बड़े भैया ने कहा है। समर्थन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है इसलिए समर्थन है, या वास्तव में आपको लगता है कि यहाँ पर बदलाव होने जा रहा है? दिल से बदलाव होने जा रहा है पूरी तरह से। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ हमारे सारे प्रत्याशी जीत रहे हैं हर जगह से। अच्छा। हाँ, एग्जिट पोल आ रहे हैं, कई कंपनियों ने एग्जिट पोल किए हैं, उन पर क्या सिरे दिखा रहे हैं? दिखा रहे हैं, ऐसे दिखाते रहेंगे, ऐसे दिखाते रहेंगे। हाँ, आप ध्यान देखिए, आप ध्यान से देखिए कौन कौन क्या एग्जिट पोल दे रहा है, क्या बोल रहे हैं लोग। अभी बलिया के सनातन पांडे जी का, उनको बता रहे हैं बीजेपी से, जबकि वो हमारी पार्टी के। क्या कहेंगे आप? एग्जिट पोल पूरी तरह गलत है। गलत है? हम लोग अपने काम के ऊपर उतरे हैं, बीजेपी वाले पूरी तरह झूठ पे हैं। अच्छा। अब इस समय जनता अपने मूलभूत मुद्दों पर है, आज ही उसको दूध को 2 रुपए लीटर बढ़ा दिया, टोल टैक्स बढ़ा दिया, ठीक, ये सब कुछ नहीं, ये लोग जाने वाले हैं, कहीं नहीं है, इनका कहीं कुछ दिख भी नहीं रहा। अच्छा, दूध की बात की आपने, टोल टैक्स की बात की, पर मुझे याद है जब यहाँ पर आटे पे और दही दूध पर GST लगाया गया था, तब भी समाजवादी पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, वो संघर्ष नजर नहीं आया था जिसके कारण समाजवादी पार्टी जानी जाती है। वोट देने के तुरंत बाद ही इस तरह रेट बढ़ाना, ये पूरी तरह जनता को इन लोगों ने बेवकूफ़ समझ लिया और जनता इनके साथ नहीं है। अच्छा। रिजल्ट जब आएगा आप देखिएगा, ऐतिहासिक होगा उत्तर प्रदेश। इतना अच्छा आज तक उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी इतनी सीट नहीं पाई होगी जितनी इस बार पाने जा रही है, और बीजेपी अयोध्या भी हारेगी। हाँ। बीजेपी अयोध्या भी हारेगी। फिलहाल बने रही सीनियर भारत के साथ और हम यहाँ पर लोगों का आंखों देखकर हाल बताते रहेंगे कि फिलहाल उनके मन में निराशा है या आशा है वो बता रहे हैं। यहाँ पर आंकड़े अलग है और यहाँ पर INDIA गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। परिणाम आने वाले हैं, क्या मानते हैं, कहाँ तक सफलता मिलने वाली, क्योंकि विपक्ष बोल रहा है कि एग्जिट पोल भ्रामक है और यहाँ पर INDIA गठबंधन की सरकार बन रही। देखिए, 11 एग्जिट पोल हैं, एक भ्रामक हो सकता है और एग्जिट पोल ने जो बात कही वही हम लोगों का भी अनुमान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने INDIA गठबंधन को वोट ही नहीं दिया, जो गठबंधन जनता के बीच में नहीं जा पाया।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो चरणों के चुनाव में तो इंडिया गठबंधन के लोग एक भी सभा नहीं कर पाए, रैलियाँ नहीं कर पाए, जनता के बीच वो जा नहीं पाए, होटल के बीच बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को मैसेज देने का काम कर रहे थे, मौसम की खराबी बता करके कि हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उतर पा रहा है, सभाएं स्थगित कर रहे थे। तो जो गठबंधन लगातार कंफ्यूजन में पड़ा रहा, लगातार जो है वो सब जनता के बीच में नहीं जा पाया, और उस गठबंधन का जिसका जिस जिन आपस में ही मतभेद हो, तृणमूल कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में एक सीट सपा कांग्रेस गठबंधन देने के बात कर देता है, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उनको एक भी सीट नहीं देती है, केजरीवाल जी दिल्ली में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते हैं, पंजाब में कांग्रेस के और उनमें दोनों में मतभेद है। तो इस तरह के गठबंधन को जनता ने जो है देखा है कि जो पहले ही चुनाव के पहले ही इनमें एका नहीं है, मतभेद है, ऐसे गठबंधन को जनता क्यों वोट देगी। और जिस दिन से उत्तर प्रदेश में चौधरी जयंत सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ा, उस दिन के बाद उत्तर प्रदेश में किसानों में, नौजवानों में एक लहर दौड़ी एनडीए गठबंधन के लिए, लोग एनडीए गठबंधन के साथ जुड़े, उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, सारे लोग एनडीए के साथ गए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन 75 सीटों से ज़्यादा जीत के आ रहा है। अगर आरएलडी सीटों की बात करें, बागपत बिजनौर की बात करें तो वहाँ नहीं, बागपत बिजनौर तो जीत ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हम 75 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। तो पार्टी कार्यालयों की स्थिति जानने के लिए हमने तमाम पार्टी कार्यालयों को दौरा किया, और यहाँ पर अब फिलहाल हम खड़े हैं राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय के बाहर, जहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि ये राष्ट्रीय लोकदल का कार्यालय है। यहाँ पर भी इनकी दो सीटें इनको मिली हुई थी एनडीए गठबंधन के साथ में, जिसमें बागपत भी शामिल था, बिजनौर भी शामिल था, और यहाँ पर दोनों सीटें जीतने की बात यहाँ पर इनके प्रवक्ता कह रहे हैं, इनके नेता कह रहे हैं। हालाँकि परिणाम कल यहाँ स्पष्ट हो जाएगा, पर निश्चित रूप से अगर हम बात करें रालोद कार्यालय के बाहर की, तो वहाँ पर फिलहाल अभी शांति है, लोग यहाँ पर जरूर जुड़े हुए हैं, और तमाम लोग हैं जो पदाधिकारी अंदर बैठे हुए, मंथन चल रहा है, और ये भी आश्वस्त दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ जीत पक्की है। बिजनौर की बात करें या बागपत की बात करें, खासतौर पर अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की, तो ये भी कहा जा रहा है कि हमारे गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ बनने जा रही है। हालाँकि यहाँ विपक्ष के लोगों का कहना है कि जो आंकड़े हैं एग्जिट पोल के वो भ्रामक हैं, स्पष्ट हो जाएगा सबके मन में बात जो है वो यहाँ सामने आ जाएगी, पर निश्चित रूप से यही बात मैं कहना चाहूँगा कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, कल है यहाँ पर परिणाम आने की बारी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सीनियर भारत, लखनऊ। पार्टी कार्यालयों के दफ्तर और लोगों की बात सुनकर आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि हाल क्या होगा। कल जब रिजल्ट आएगा तब पार्टी कार्यालयों में कौन खुश होगा, कौन नाखुश होगा, किस में पटाखे फूटेंगे, कहां मिठाई बांटी जाएगी और कहां सन्नाटा देखने को मिलेगा, ये तो कल ही पता लगेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।